अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फातिमा खान पर। आज हम बना रहे हैं गोश्त मटर पुलाव। इसके लिए मैंने लिया है 500 ग्राम गोश्त, 2 मीडियम साइज का प्याज लिया है मैंने, फिर कुछ गरम मसाले हैं, ये हम गोश्त बॉईल करने में डाल देंगे। तो पहले मैं गोश्त बॉईल कर लेते हैं हम लोग। गोश्त मैंने कुकर में डाल दिया है, अब इसी के साथ हम डाल देंगे। मैंने एक बड़ी इलायची ली है, 2 छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा लिया है और काली मिरी लौंग डाल दूंगी मैं इसमें। प्याज भी इसी में डाल देंगे हम। एक चम्मच में नमक डाल दूंगी। थोड़ी हल्दी हम डाल देंगे इसके साथ। अदरक लहसुन डाल दूंगी मैं करीब 1.5 चम्मच। इसे मिक्स कर लेंगे हम। यहाँ मैंने एक गैस चालू कर दिया है, उस पर हमें ये रख दूंगी। और यहाँ मैंने 2 ग्लास पानी लिया है, पानी गरम कर लेंगे। गरम करके इसी में ऐड कर देना है हमें पानी। पानी हमारा हल्का गर्म हो चुका है, मैं इसी में पानी ऐड कर दूंगी। इसके साथ 2 तेज पत्ता डाल दूंगी मैं इसमें, इससे अच्छी खुशबू आती है गोश्त में। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और हमारा गोश्त बॉईल हो जाए वहां तक इसको पकाना है। ये मैंने एक प्याली मटर लिए हैं, ये 2 मीडियम साइज के टमाटर हैं, 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है, इसको से पतला पतला काट लिया है मैंने, आधा नींबू, और ये कुछ हरी मिर्ची है मेरे पास, आप अपने हिसाब से तीखा या कम तीखा कर सकते हो। ये पुदीना है और ये हरा धनिया है। अभी हम पतीले में तेल डालेंगे। तो मैंने गैस पे पतीला रख दिया है। अभी इसमें हम 4 चम्मच तेल डाल देंगे।
जैसे हमारा तेल गरम होता है हम उसमें प्याज डाल देंगे। ये हमारा गोश्त उबल रहा है, इधर बॉईल हो रहा है। तेल गरम हो चुका है, हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है। मेरी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, मैंने इसमें से निकाल लिया तेल में से। अब मैं इसमें हमारे ये सूखे मसाले डाल दूंगी। हमने गोश्त बॉईल करने में भी डाला था। मैं इसमें हमारा शाहजीरा और जीरा भी ऐड कर दूंगी। अब इसी के साथ हम हमारे मटर डाल देंगे। जैसे मेरे मटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे तो उसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। मेरे मटर थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। इसी के साथ ये हरी मिर्च भी ऐड कर दूंगी इसी में। गोश्त हमारा बॉईल हो चुका है, इसी के साथ मैं इसमें थोड़ा गरम मसाला डाल दूंगी और ये बरिस्ता की हुई प्याज भी इसी में ऐड कर दूंगी मैं। धनिया और पुदीना भी डाल दूंगी इसी में। और ये गोश्त हमारा बॉईल किया हुआ गोश्त भी इसी में डाल दूंगी। ये 1.5 ग्लास के जितना पानी मुझे लग रहा है तो वही हिसाब से मैं इसमें अभी और पानी चावलों के हिसाब से पानी ऐड करूंगी। मैंने 500 ग्राम चावल लिए हैं और ये 1/2 नींबू का रस ऐड कर दूंगी मैं इसमें। दो चम्मच ये दही डाल दूंगी। पानी और ऐड करूंगी। पानी ऐड कर रही हूं मैं इसमें। मैंने 500 ग्राम चावल लिए थे जिसको 1 घंटा पहले भिगो दिया है। मैं इसमें टोटल 3 ग्लास पानी ले रही हूं। ये मेरे चावल है जिसको 1 घंटा पहले मैंने भिगो दिया था। अभी इसमें मैं नमक चेक कर लेती हूँ कितना नमक जो हमने गोश्त बॉईल करने में डाला था इसमें वही नमक है। मुझे नमक कम लग रहा है, मैं इसमें नमक थोड़ा और ऐड कर दूंगी। जैसे हमारा पानी बॉईल होगा हम इसमें राइस डाल देंगे। मैं इसको अभी कवर कर दूंगी ताकि पानी जल्दी से बॉईल हो जाए। ये मेरा पानी बॉईल हो चुका है, अब इसी के साथ में इसमें चावल ऐड कर दूंगी।
डाल देंगे इसमें। अब इसको ढककर हम पकने देंगे। ये कितना कितना प्यारा दिख रहा है माशाल्लाह। थोड़ी देर और थोड़ा पानी है इसमें भी, थोड़ी देर और इसे पकने देंगे हम। अभी मैं इसे तवे पे रख दूंगी धीमी आंच पर, गैस फुल कर देंगे। एक मिनट के लिए गैस फुल रहने देंगे ताकि हमारा तवा गर्म हो जाए, और फिर जैसे ही एक मिनट के बाद तवा गर्म हो जाएगा तो हम इसे कम कर देंगे, गैस को कम कर देंगे। हमारा पुलाव रेडी हो रहा है। जब तक के मैं इसके साथ खाने वाला सलाद आपको बताती हूँ हमारे घर में कैसा बनता है। मैंने इस टमाटर इस तरीके से काट लिए हैं छोटे छोटे पीस में, और ये प्याज भी मैंने इस तरीके से काट लिए। इसको और इसके अंदर नींबू एकदम थोड़ा, बहुत ज़्यादा नींबू नहीं डालना हमें, थोड़ा सा सिर्फ हल्का सा नींबू। और इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी। नींबू के बीज है ये निकाल लूँ मैं। अब इसमें हम थोड़ी सी एकदम थोड़ी मिर्ची की भुक्की डालेंगे, एकदम मामूली सी। और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये पुलाव के साथ बहुत ही ज्यादा यम्मी लगता है, आप लोग भी बनाए इस तरीके से। ये सैलेड झटपट से बन जाता है पुलाव के साथ, क्या आप हर कोई डिश के साथ इसको बनाओगे ना, ये बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी बनाएं, ट्राई करिएगा प्लीज़। ये मेरा सैलेड तैयार हो गया। इसके साथ पुदीना भी बहुत अच्छा लगता है, मैं इसमें थोड़ा पुदीना भी ऐड कर दूँगी। मेरे हस्बैंड को इसके साथ पुदीने का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। ये सिर्फ हम दोनों के लिए, बच्चे तो नहीं खाते। पुलाव इज रेडी। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। देख सकते हैं आप लोग ना, यम लग रहा है माशाल्लाह। हमारा गोश्त मटर पुलाव रेडी है। हमारा मटर गोश्त पुलाव रेडी है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।